हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनूज किचन आर्ट्स एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और स्वीट सी रेसिपी लेके आई हूँ। मगर फ्रेंड्स, यदि आपको वो रेसिपी देखनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर कीजिएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करेंगे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें आप। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी, उसकी कुछ झलकियाँ आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर हम किसी भी छोटे मोटे फंक्शन या फिर किसी बड़े फंक्शन में भी हम इसे बना के ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही स्वीट है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर रबड़ी रस मलाई। और फ्रेंड्स, ये इतनी यमी है कि आप खाते रह जाएंगे। बिना स्किप के देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी रहेगी इसको देखने में, बनाने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 किलो बड़े बड़े सलाद वाले मोटे मोटे लाल लाल टमाटर लेके धो के रख दिए हैं। और एक साइड में मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है एकदम गोल्ड दूध 1 किलो, और दूसरी साइड चढ़ा दिया है एक पैन में थोड़ा सा घी, ये 2 चम्मच घी है। और इस घी को मेल्ट होते ही हम इसमें डाल देंगे, हमारे पास है 1/2 किलो जितना खोया, यानी कि मावा। अब हम इस घी में डाल देंगे हमारा ये 1/2 किलो जितना मावा, और हम इसको अब इस तरीके से तोड़ते तोड़ते हमारे चमचे से इसको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन जितना कर लेंगे। एक साइड तो हमारा ये बन ही रहा है और दूसरी साइड हमारा दूध बॉइल हो ही रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूध उबलते उबलते जो इसकी मलाई आ जाती है उसको आपको इस तरीके से साइड में लगाते रहना है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने टमाटर को भी खोखला कर दिया है। और इसका गूदा कैसे निकालना है ये आपको यदि देखना है तो मेरी लास्ट वीडियो स्टफ टोमेटो की रेसिपी आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने टमाटर को कैसे गूदा निकाल के किया जाता है वो दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम पनीर है जिसमें से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। मैंने यहाँ पे खोया पनीर की सब्जी बनाई है जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दे रखी है। और यहाँ पे कुछ पनीर जो है मैं हाथ से जो बनाया हुआ है घर का, उसको हाथों से मैश कर दूंगी कुछ इस तरीके से। तो अब इसको मैश करते ही मैं डाल दे रही हूँ इसको खोए में, यानी कि मावा में। तो मावा पनीर का मिश्रण हम अब रेडी कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिक्स करने में आप बिल्कुल भी ध्यान रखें, गैस बिल्कुल स्लो होनी चाहिए पकाते वक्त भी और मिलाते वक्त भी। तो फ्रेंड्स, अभी तो ये इस तरीके का है, तो अभी पक रहा है और यहाँ साइड में हमारी मलाई निकलती जा रही है, हम साइड करते जा रहे हैं, इससे हमारे दोनों काम हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो टमाटर है ना वो भी रेस्ट फरमा रहे हैं, इनको रेस्ट ही करने देते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मावा पनीर जो है रेडी हो चुका है, मगर अब इसमें चीनी बाकी थी तो मैंने इसमें 1/2 कटोरी जितनी चीनी जो है डाल दी है। फ्रेंड्स, चीनी का ही उपयोग करें, चीनी पाउडर का नहीं, क्योंकि हम बना रहे हैं रसमलाई तो थोड़ा जूसी जूसी का भी अंदर से मसाला होना चाहिए, तो कुछ गीला गीला टेक्सचर तो अच्छा लगता है ना, तो इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। और इसको स्लो गैस पर ही हम इसको इसमें मिला ले रहे हैं। तो देखिए थोड़ा ढीला ढीला कितना बढ़िया सा ये जूसी जूसी जैसा मावा पनीर का मिश्रण जो है रेडी हो गया है। और यहाँ पे हमारा दूध जो है वो भी गाढ़ा धीरे धीरे होता ही जा रहा है, क्योंकि हम इसकी मलाई भी साइड में निकालते जा रहे हैं, एकदम किनारे से लेते लेते हुए हमें सारी मलाई को अलग से कोने में निकालते जाना है। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश, काजू, इलायची और बादाम। फ्रेंड्स, इलायची को तो मैंने छिलकों के साथ ही लिया है, और ये जो किशमिश थी बड़ी थी तो मैंने उसको 2 आधे टुकड़े में कर लिया, और काजू को भी टुकड़ों में कर लिया, बादाम को भी। और कुछ जो है काजू और किशमिश मैंने मेरी खोया पनीर की रेसिपी सब्जी में डाल दिया है, कुछ मैंने अलग निकाल लिया कटोरी में, और ये प्लेट वाले जितने बचे हुए हैं वो मैं डाल दूँगी हमारे खोया पनीर की स्टफिंग करने के लिए मिश्रण के अंदर।
और फ्रेंड्स अब इसको मैंने गैस को कर दिया है बंद और ये इस टाइम हो जाएगा ठंडा भी। हम इसको थोड़ा ठंडा भी कर लेते हैं। और ये इस तरीके से फ्रेंड ध्यान रखना है कि हमें इसके दूध को जो है बीच बीच में मलाई साइड में निकालते जाना है। और अब हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये है मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है बटर स्कॉच का, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास वनीला भी था मगर मैंने बटर स्कॉच लिया है। और एक खाने वाली चम्मच से मैंने इसका आधा चम्मच ही लिया है, ज़्यादा नहीं। और इसको गर्म दूध में इस तरीके से मिला लिया है। और मिलाते वक्त ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी लम्स यानी कि गांठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको जो है मैंने यहाँ पे अलग से इसको निकाल के ले लिया है। और ये जो हमारा जो दूध है ना, जो हमारा बन रहा है, इससे हम रबड़ी बनाएंगे, उसमें हम इसको मिला देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी रबड़ी की जो टेस्ट है ना वो और भी टेस्टी हो जाएगा, कलर भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक बहुत ही स्वाद भरा हमारा ये रबड़ी रेडी हो जाएगा। और धीरे धीरे हमारा ये दूध भी और भी गाढ़ा हो जाएगा जल्दी से। दूध में फ्रेंड्स कभी भी पानी ना मिलाएं जब भी आप ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे रबड़ी हो गई, खीर हो गई वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स अब हम इसको मिलाते रहेंगे और इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, ऐसा ही हमें ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए ये देखिए हमारी ये तो धीरे धीरे गाढ़ी हो भी गई है और कुछ कुछ लगभग रबड़ी सी बनने भी लग गई है और लगभग बन ही गई है। मगर फ्रेंड्स इसमें हमने अब तक चीनी तो डाली नहीं, तो फ्रेंड्स चीनी को भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स खोया पनीर के जो हमने स्टफिंग की रेडी की है ना, उसमें भी चीनी है और इसमें भी। तो फ्रेंड्स इसलिए चीनी का उपयोग थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि हमारे दोनों में ही चीनी डल रही है। तो आप इसमें मात्रा कम ज़्यादा जैसा आपको रखना है वैसे रख सकते हैं, मगर ध्यान से। अब ये एक कटोरी में जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे हैं ना फ्रेंड्स, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं, तभी तो हमारी रबड़ी का असली टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स इसको भी हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसकी गैस को वैसे भी हमने स्लो ही करके और स्लो ही में ही पकाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा खोया पनीर जो है, इसकी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है और ठंडी भी हो गई है। तो जो आराम फरमा रहे टमाटर है ना, उनमें हम इसकी स्टफिंग को भर ही देते हैं। इससे क्या है हमारे जो रेसिपी आगे बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए मैंने जो इस टमाटरों की में स्टफिंग जो मावा पनीर की थी वो मैंने भर दी है कुछ इस तरीके से। लग रही है ना अभी से बहुत टेस्टी और यमी। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, आप लोग भी जल्दी से बना लेते हैं। अब आप सोचेंगे अभी पके तो है नहीं, फिर कैसे स्टफिंग और कैसा ये। तो फ्रेंड्स आप टेंशन ना लें, अब हम लेंगे एक चौड़ा सा फ्राई पैन जो कि आप लोगों को भी चौड़ा ही लेना है। और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फ्राई पैन में सेट कर देंगे। गैस अभी हमारी बंद है, गैस को अभी बंद ही रखना है। तो फ्रेंड्स हमें जो है गैस बंद में ही इसको फ्राई पैन में इस तरीके से सेट कर देना है, सीधे सीधे, हमें इनको उल्टा बिल्कुल नहीं करना है। और अब फ्रेंड्स अब इस स्टफिंग में को रखते ही हम जला लेंगे गैस। और यहाँ जो हमारी रबड़ी बन रही है ना, और जो लगभग आधे से ज़्यादा क्या 80% तक गाढ़ी हो भी गई है, तो उसके जो है दूध को एक चमचे से लेते हुए हम इसमें डाल देंगे। गैस हमने अब स्टार्ट कर दिए, चालू कर दिए, ऑन कर दिए, मगर स्लो है। और अब हम इसमें धीरे धीरे रुक रुक के हम इसमें सारी हमारा रबड़ी जो है डाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो ये मैंने 2 चमचे तो इसमें डाल ही दिए हैं। अब देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि देखिए हमारी कैसी लग रही है। ये देखिए इस तरीके से लग रही है। अब हमें क्या करना है कि स्लो गैस पे ही रखते हुए इसे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर करना है। अब 2 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी वो जो रबड़ी थी ना, जो दूध, वो भी कितना सारा हमारा जल चुका है और हमारा इतना सारा मलाई भी आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो बाकी बची हुई बनती जा रही है साइड में जो रबड़ी है, उसको हम और चमचा लेना है और इसमें एक दो करके ना चमचे करके डाल के 2-2 मिनट के लिए ढकना है। हमारे टमाटर भी जो है लगभग 80% तक पकने चाहिए। अगर आप पूरा इसको गला देंगे टमाटर को
तो फिर आपका जो रसमलाई जो बना रहे हैं वो दिखने में भी बुरी लगेगी और आपको कोई टेस्ट आएगा ही नहीं। तो हमें इसी तरीके से हमें रखनी है 80% तक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे दूध को डाल दिया है और जितना भी इसमें रसमलाई में रबड़ी चाहिए लगा दी है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, कितनी प्यारी मलाई आई है। इस तरह से दो दो मिनट ढक के मैंने तीन बार किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी खोया पनीर भी रेडी हो गई है जिसकी रेसिपी मैंने दे रखी है ऑलरेडी, उसे आप देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मैंने बनाई थी स्टफ कैप्सिकम, तो इस कैप्सिकम भी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। और ये है हमारी कांजी वड़ा। कांजी वड़ा की रेसिपी फ्रेंड्स मैं आपको कुछ समय बाद दे दूंगी। हाँ, स्टफ कैप्सिकम की भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये देखिए वड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। और फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारी मेन आज की टमाटर की रबड़ी वाली रसमलाई। और ये मैंने रबड़ी जो हमारी बची है उसकी मैंने बना दी है खीर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं। मैंने तो इसे चपाती के साथ सर्व किया क्योंकि इतना हैवी हैवी खाना कौन खाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके साथ थोड़ा बहुत तो हल्का होना चाहिए, इसलिए चपाती के साथ सर्व कर दिया है। आप पूरी, पराठा, नान, भटूरा या जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको पेश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। और आप हमेशा फ्रेश खाएं, तंदुरुस्त रहें और हमेशा खुश रहें, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।